हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल शीतल सेज में। आज फिर से हम बना रहे हैं नॉर्थ इंडिया की डिश जो कि है पनीर बटर मसाला। हम एकदम ही ऑथेंटिक तरीके से बनाने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन। इंग्रेडिएंट्स में लिए हैं 3 मीडियम साइज के अनियन, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 8 कली लहसुन की, 200 ग्राम पनीर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हरा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक एंड अमूल बटर। ये मैंने एक कढ़ाई में बटर लिया है, ये 1 टेबलस्पून जितना बटर है। उतना ही मैं ऑयल लूँगी, आप चाहो तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हो या फिर सिर्फ ऑयल भी ले सकते हो। जी, हमने ऑयल भी ले लिया है। अभी ऑयल और बटर को हम गर्म होने देंगे, एक बार चला लेंगे ताकि बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी बटर और ऑयल तो अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 लविंग। उसके बाद डालेंगे अदरक जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। फिर डालेंगे 1 मिर्ची और 8 कली लहसुन की। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी काजू। ये 1/4 कप जितने काजू लिए हैं। इसको हमें अच्छे से सौते करना है। अब हम इसमें डालेंगे अनियन जिसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये 3 मीडियम साइज के अनियन लिए हैं। बार मिक्स कर लेंगे। ये अनियन को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसी के साथ हम डालेंगे 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। एक बार सब मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हमें ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकने देना है ताकि अनियन जो है ना वो एकदम ही ट्रांसपेरेंट हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अनियन तो बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं, एकदम ही ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अभी हम डालेंगे टमाटर। ये मीडियम साइज के 3 टमाटर है, इसको भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना नमक ताकि जो सब्जियां है ना वो जल्दी से पक जाए। अभी टमाटर को भी हमें करीबन 5 से 7 मिनट तक पकने देना है ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी इसको हम ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं, एकदम ही सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसको हमें एकदम ही ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सिंग जार में लेके पीस लेंगे ताकि हमें अच्छी सी पेस्ट मिल जाए। ये देखिए, ये सब्ज़ी तो अच्छे से
ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको एक मिक्सिंग जार में ले लेंगे। अब इसकी हमें एकदम ही स्मूथ पेस्ट बनानी है। और पेस्ट बनाते टाइम हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, करीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना ही पानी डालेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ पेस्ट मिल गई है हमें। चलिए अब इसको भी हम पका लेते हैं। ग्रेवी को पकाने के लिए मैंने उसी कढ़ाई में बटर लिया है। मैं ग्रेवी सिर्फ बटर में ही बना रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो ऑयल भी ले सकते हो, या फिर ऑयल और बटर दोनों आधा आधा ले सकते हो। बटर को हमें मेल्ट होने देना है। बटर तो मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है ग्रेवी का। एक बार बटर और ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी और बटर तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उससे ग्रेवी का कलर है ना बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। अभी ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक है तो इसलिए हम इसमें पानी डालेंगे। जिस मिक्सिंग जार में हमने ग्रेवी को पीसा था ना, उसी में मैं थोड़ा पानी लेके इसमें डालूंगी। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले, जैसे कि 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप ये अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आगे हमने एक हरी मिर्च डाली थी। और डालेंगे थोड़ा सा नमक। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हमें 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे मलाई। आप मलाई के ऑप्शन में फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। ये करीबन मैं 2 टेबलस्पून जितनी मलाई डाल रही हूँ। एक बार मलाई और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जितनी शुगर, क्योंकि इसमें टमाटर है ना, तो उसका जो खट्टापन होता है ना, उसको शुगर बैलेंस करती है।
आप चाहो तो इसके ऑप्शन में खोया भी डाल सकते हो, स्वीट खोया। अब ये ग्रेवी को हमें पकने देना है जब तक कि जो बटर है ना वो सारा ऊपर ना आ जाए। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए बटर जो है ना वो सारा ऊपर आ गया है, इट मीन्स कि ग्रेवी जो है ना वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर क्यूब्स। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ग्रेवी और ये पनीर को हमें करीबन 5 से 7 मिनट तक पकने देना है ताकि ग्रेवी में जो भी फ्लेवर है ना वो पनीर में आ जाए। ये देखिए पनीर और ग्रेवी जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए अभी इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, है ना, एकदम ही क्रीमी पनीर बटर मसाला। ये आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, कुलचे के साथ या फिर नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। सच में बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।